बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम विद सेकंड ईयर फिज़िक्स पार्ट टू, चैप्टर नंबर 13 हमने शुरू किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। अब करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गलवानोमीटर यूज़ करते हैं, और अगर उसको मेजर करना हो तो उसके लिए हम एममीटर को यूज़ करते हैं। अब ये तो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम उसको मेजर करते हैं, लेकिन इनके अलावा इस टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि प्रेजेंस ऑफ करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरियस इफेक्ट्स इट्स प्रोड्यूस। तो लाजमी बात है, चलो गैल्वेनोमीटर तो लेबोरेटरी के अंदर एममीटर मिलेगा, लेकिन हर वक्त तो मौजूद नहीं होता कि हम उसकी प्रेजेंस को चेक कर सकें। तो उस वक्त क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप घर के अंदर आपकी आयरन है, इस्त्री है। अब इस्त्री को अगर उसके अंदर से करंट पास कर रहा है या नहीं, तो हम सिर्फ उसकी इफेक्ट से देख सकते हैं जो कि आप इस्त्री गर्म हुई है या नहीं। अगर इस्त्री गर्म नहीं हुई तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर से करंट नहीं पास कर रहा, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द वेरियस इफेक्ट इट्स प्रोड्यूस। तो जो उन इफेक्ट से हम उसके प्रेजेंस का पता चला सकते हैं कि आया उसके अंदर से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब इस एफएससी के अंदर हम इसके तीन इफेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। पहला है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, जबकि तीसरा है आपका केमिकल इफेक्ट। तो अब हम इन्हीं तीनों इफेक्ट्स को बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले है हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल अब एक कंडक्टर है, अब कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से करंट आता है, ठीक है। तो इसके अंदर चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर इसको देखा जाए तो इस कंडक्टर के अंदर एटम भी मौजूद हैं, तो ये एटम हो गए। तो एटम मौजूद हैं, जब ये इधर से पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, एटम के साथ टकराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकराते हैं तो क्या होता है कि ये अपनी कुछ एनर्जी एटम को ट्रांसफर कर देते हैं। अब आपको पता है कि एटम जो है वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर। अब वाइब्रेट कर रहे हैं तो जब इलेक्ट्रॉन उसके साथ टकराएगा, अपनी एनर्जी कुछ उसे ट्रांसफर करेगा, उससे एटम की एनर्जी कुछ ना कुछ बढ़ेगी। तो अब क्या होगा कि उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। अब जब वाइब्रेशन बढ़ेगी तो उससे उसका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसको फिर हम ये कहेंगे कि अब इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, क्यों, इलेक्ट्रॉन हीटिंग इफेक्ट तभी प्रोड्यूस हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन करंट जब उससे पास हुआ, उससे उसने एनर्जी ट्रांसफर की एटम्स को, एटम की वाइब्रेशन बढ़ी और उससे क्या हुआ, उसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो जब वो ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे तो उससे आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, और हम ये कहेंगे कि अब वायर जो है वो हीट हो गई। तो इसका मतलब जब करंट उसमें से पास करता है तो अगर वायर हीट हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि करंट का जो इफेक्ट है कि उसमें से करंट पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर, इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक कैटल है, चाय बनाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो क्या करते हैं कि आप उसको लगाते हैं। अब अगर उसके अंदर से करंट पास होगा तो क्या होगा कि उसकी हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसको पानी गर्म होगा, ठीक है। इसी तरीके से टोस्टर है, आप गर्म करते हैं उसके अंदर तो वो भी हीटिंग इफेक्ट को यूज़ कर रहा होता है, और इसी तरीके से हीटर है, सर्दियों में आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आ रहा है। अब हीटिंग इफेक्ट को मैथमेटिकली लिखते हैं एच से, जो कि इक्वल है आई स्क्वेयर आर टी। अब ये अक्सर औकात पूछा जाता है हीटिंग इफेक्ट, और अक्सर आपको पता है कि आई स्क्वेयर आर जो है वो पार की इक्वल होता है। तो अक्सर उका ये भी हो जाता है कि एक हीटर है, उसके अंदर उसकी पावर इतनी है,
इतने सेकंड के लिए उसको चलाया, फॉर एग्जांपल एक हीटर है वो 50 वाट का है फॉर एग्जांपल, और रोज़ाना हम उसे 60 सेकंड चलाते हैं, ठीक है, तो फिर उसके अंदर कितना हीटिंग इफेक्ट होगा। तो हम फिर उस वक्त यहाँ पे ये वाला फार्मूला पी यूज़ करते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर आर जो है वो पी के इक्वल है, ठीक है। तो अक्सर इस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और उसके लिए फिर आपने ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है एटम के साथ टकराता है, एटम की वाइब्रेशन बढ़ती हैं जिससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जब हीट प्रोड्यूस होगी वायर के अक्रॉस फॉर एग्जांपल, तो फिर हम उसको हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को अगर हम स्टडी करें तो क्या कहते हैं कि जब करंट पास करता है किसी भी वायर से तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो वायर के गिर्द अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर है मौजूद तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं कि अगर उस वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो इसका मतलब उससे करंट पास हो रहा है। तो अब अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाना है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक कि उस वायर से कितना करंट पास हो रहा है। अब अगर करंट ज़्यादा पास होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और अगर करंट कम पास हो रहा है तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। जबकि दूसरी है कि आप जो है वो डिस्टेंस कितना है उससे कंडक्टर से, फॉर एग्जांपल ये वायर है इसमें से पास कर रहा करंट, तो अब ये जो आप कहाँ पे उसको मेजर करने, आप इसके नज़दीक आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, अब आप इससे दूर चलते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी फील्ड जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक मोटर जितनी भी हैं, ठीक है, वो एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को यूज़ करके आप उससे काम लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो यूज़ करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब डिफरेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल वायर है, वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड जो पास होती है उसकी वो किस तरह की होती है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर होती है। अगर कॉइल में इस तरह की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जबकि सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होती है। अब ये जो है ये प्रोड्यूस किस तरह हुई हैं, ठीक है, किस तरीके से, हमने कहा कि वायर के अक्रॉस जो है वो सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, तो ये जो लाइंस हैं इसको हम तफसील के साथ नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 14 है उसके अंदर पढ़ेंगे। अब तक के लिए सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर औकात पूछा जाता है कि ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर वायर एंड सोलेनाइड, तो इसकी इस तरीके से आप उसको स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।